गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मैं अवैध सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आप लोगों को कल जो मैंने वीडियो बनाई थी या प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें केबल के बारे में बताया कि कम्युनिकेशन में जो हम केबल का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताया। उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज आप लोगों के सामने है। इसमें हम जानेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, किस प्रकार से इसको बनाते हैं और किस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया जो आपका टॉपिक है वो वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया है। इस टॉपिक में मैं आपको बता दूँ, वायरलेस कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम तीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड लाइट। ये तीन टेक्नोलॉजी होती हैं जिनका उपयोग करके हम वायरलेस कनेक्शन को बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनकी क्या विशेषता होती हैं और किस प्रकार से ये यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले रेडियो वेव के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, रेडियो वेव जो है आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि अधिकांश इस्तेमाल रेडियो वेव का ही होता है डाटा को ट्रांसमिशन करने का। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होने की वजह से इनकी कैपेसिटी डाटा ट्रांसफर करने की अधिक रहती है, ठीक है। और फिजिक्स के अगर विचार से देखें तो कोई भी डाटा हो जब वो ट्रांसमिशन होता है तो अपना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जरूर तैयार हो। तो ऐसे ही जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन करती हैं डाटा का, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं, ठीक है। इसी के उपयोग से ये अपना डाटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करें तो 10 लिख देते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 किलो हर्ट्ज से 1 जीगा हर्ट्ज तक हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 जीगा हर्ट्ज की स्पीड कितनी होती है, ठीक है। तो यही वजह है कि जिस वजह से रेडियो वेव सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो है माइक्रोवेव है दूसरी टेक्नोलॉजी। माइक्रोवेव के बारे में आपको बताएं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में कुछ विशेष प्रकार के उपकरण द्वारा जैसे रेडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन किया जाता है। फ्रीक्वेंसी जिन पर माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट। कहने का मतलब ये है जो हम रेडियो सुनते हैं अब तो शायद यूज नहीं होते हैं, लेकिन पहले जो रेडियो इस्तेमाल होते थे उनकी जो डाटा ट्रांसमिशन प्रोसेस होती थी वो माइक्रोवेव के माध्यम से ही की जाती थी। अभी जो यूज़ होती हैं टीवी वगैरह, टेलीविज़न वगैरह, ये रेडियो वेव की टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज़ होती हैं, क्योंकि इनमें डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन भी किया जाता है। तो स्पीड का जो अंतर है वो यहाँ रहता है कि माइक्रोवेव जो होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से कम होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग रेडियो जो हम लोग सुनते थे पहले उसमें किया जाता था, ठीक है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कहलाती थी। टेरेस्ट्रियल में यही आ जाते हैं हमारे रेडियो वगैरह। और दूसरा जो होता है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट तो सभी जानते हैं कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट के माध्यम से ही रेडियो वेव, इंफ्रारेड या माइक्रोवेव तीनों प्रकार के सिग्नल भेजे जाते हैं। बस प्रोसेस ये है कि किस उपकरण पर या किस डिवाइस पर किस प्रकार के सिग्नल को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो रेडियो यूज़ करने के लिए हम माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिक्वेंसी जो होती है इसकी वो रेडियो वेव से कम होती है, ठीक है। लेकिन इसकी एक और ख़ास विशेष बात ये है कि जितना ज़्यादा प्रकाश होता है
ये माइक्रोवेव उतने ही ज़्यादा अच्छे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि प्रकाश की कमी रहती है या मान लीजिए इनके जो रास्ते में कोई प्रकार की ऐसी डिवाइस या कुछ अन्य और चीज़ आ जाती है तो या इनके सिग्नल जो है वहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता दें, आप लोगों ने रिसीवर से रिमोट कंट्रोल जो होता है, रिमोट वगैरह जो टीवी का या रिसीवर का आप लोगों ने उसका यूज़ किया होगा। वैसे तो उसमें भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, या फिर कभी वायरलेस माउस कीबोर्ड या और ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो कुछ सीमित सीमा तक डाटा ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान करती है। ये माइक्रोवेव और रेडियो वेव की तुलना में थोड़ी रेंज कम कवर करती है। ठीक है, बस इसमें इतना ही कुछ खास लिखा नहीं है, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। वायरलेस कम्युनिकेशन का एक अन्य मीडियम इंफ्रारेड लाइट है। इंफ्रारेड लाइट द्वारा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत केंद्रों के मध्य डाटा के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के डायोड बल्बों का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड लाइट दीवार अथवा अन्य पारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं जा सकते, ये इसका एक विशेष पॉइंट है। आप लोगों ने, मैंने जैसा एग्जाम्पल आपको दिया कि डिस्का या टीवी का कोई रिमोट है, जब तक आप उसके सामने हैं या उसकी सीमित सीमा में हैं तब तक तो वो कार्य करता है। अगर आप उसकी सीमा से बाहर हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसके बीच में रास्ते में आ जाती है तो ये कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बस इसमें और कोई इसका पॉइंट नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि अधिकांश छोटे और खुले जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ आपका ये तीसरा पार्ट भी खत्म हुआ। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अन्यथा आप मैं उसका PDF बना के आपको सेंड कर दूँगा, आप उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।